घर से किसान नंगे पांव आए, पैरों पर छाले लेते हुए आए, उनके दरवाजे तक आए, हजारों की तादाद में आए। प्रधानमंत्री बाहर निकले तक नहीं, क्योंकि कायर हैं, क्योंकि आपको जवाब देना नहीं जानते, क्योंकि आपके लिए कुछ किया नहीं, झूठे वचन दिए। अब दुनिया भर में घूम सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं, चीन जा सकते हैं, वहां अपना मुंह दिखा सकते हैं, आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है। जब एसएससी के विद्यार्थी प्रदर्शन करने गई दिल्ली, तब 15 दिनों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। रोज सुनती थी मैं उनके नारे। इत्तेफाक से मेरे घर के कुछ पास ही था उनका प्रदर्शन। वो भी क्या मांग रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हमारी सुनवाई हो जाए। प्रधानमंत्री जी अपने घर से नहीं निकले। इतने बड़े कायर प्रधानमंत्री, इतने कमजोर प्रधानमंत्री मैंने जिंदगी में नहीं देखे हैं। अपने 56 इंच की सीने की बात करते हैं, मैं जानना चाहती हूँ उस 56 इंच के सीने के अंदर दिल भी है कि नहीं। अपने दिल की नाप बताइए, अपने दिल की नाप बताइए, क्योंकि हिंदुस्तान को आपका दिल नहीं दिख रहा। आप जनता के हमदर्द नहीं हैं, आप अपने उद्योगपति दोस्तों के हमदर्द हैं, अपनी सत्ता के हमदर्द हैं, और अपनी सत्ता की मोह माया में आप सब कुछ भूल चुके हैं, जनता से नाता तोड़ चुके हैं। और अब चुनाव का समय आ गया, अब घबराहट होने लग गई, क्योंकि कायर तो है ही, तो घबराहट होने लग गई कि किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, बुनकर नाराज है, चलो जल्दी जल्दी योजनाएं निकालते हैं, नए नए प्रचार करते हैं, नए नए प्रचार करते हैं। तो किसान सम्मान योजना निकाली, सुन लीजिए कितना सम्मान करते हैं आपका। 5 सालों से आपको नकारा, आपकी बीमा लेकर उद्योगपतियों को दी, आपके कर्ज माफ करने के बजाय उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए। चुनाव के समय किसान का सम्मान याद आया, और कैसा सम्मान, 6,000 रुपए सालाना, 6,000 रुपए सालाना देना चाहते हैं आपको। सबसे पहले तो महंगाई से मारे डाले हैं आपको, उसके बाद कहते हैं 6,000 रुपए देंगे हम सालाना। 6,000 रुपए का क्या मतलब है? मतलब कि अगर 4-5 सदस्य आपके परिवार में, तो साल में, दिन में, एक दिन में एक सदस्य को मात्र 2 रुपए मिलेंगे। बताइए 2 रुपए में क्या मिलेगा आपको? ये आपकी सम्मान की योजना है कि आपका घोर अपमान हो रहा है? और जब आपके सामने आकर आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपमानित कर रहे हैं कि आपको सम्मानित कर रहे हैं? आदर ही नहीं है आपके लिए इनके दिलों में। ये सोचते हैं कि 6,000 रुपए का घूस देकर आपके वोट लेंगे। ये जानते नहीं है कि इस देश की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, बहुत जागरूक जनता है। इस देश की जनता में बहुत विवेक है। आपने बड़े बड़ों को सबक सिखाया है। जो नेता ये सच्चाई को मान नहीं सकता कि एक लोकतंत्र में जनता की शक्ति सबसे बुलंद है, वो नेता एक दिन गिरेगा, उसका अहंकार टूटेगा, उसकी सत्ता जनता उससे छीनेगी, कोई और नेता नहीं छीनेगा, जनता छीनेगी। और मैं आपसे कहने आई हूँ कि समय आ गया है, सत्ता छीनिए इनसे, अपने हाथों में लीजिए, अपने अधिकारों, अपने हक की लड़ाई खुद लड़िए, जागरूक बनिए, क्योंकि इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि जनता जागरूक बने, अपने वोट की जिम्मेदारी ले, अपने वोट को समझे, ये समझे कि यहाँ जो लाइन बनी है नेताओं की, ये आपने खड़ी की है और किसी ने नहीं, ये शक्ति आपकी है, किसी नेता की शक्ति नहीं है। आप अपनी शक्ति को समझ जाइए, यही आग्रह है आपसे। कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके हित में काम करती है। मनरेगा कांग्रेस पार्टी लाई, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी लाई, रोजगार का अधिकार कांग्रेस पार्टी लाई। कांग्रेस पार्टी ने इस बार भी एक ऐसा घोषणा पत्र बनाया है जिसमें आपकी आवाज है। राहुल जी ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मेरे भाई,
उन्होंने दिग्गज नेताओं को देश भर में भेजा, उन्होंने कहा जनता से पूछिए जनता क्या चाहती है। तो बड़े बड़े नेता गए, किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, नौजवानों से मिले, मेरी बहनों से मिले, अध्यापकों से मिले, छात्राओं से, छात्रों से मिले, और मिलने के बाद, चर्चा करने के बाद, एक साल का काम करने के बाद एक घोषणा पत्र निकाला। इस घोषणा पत्र में कोई फिजूल की बातें नहीं है, बड़ी बड़ी पाकिस्तान की बातें नहीं है, इस घोषणा पत्र में आपकी बातें हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ इसमें जो मुख्य योजनाएं हैं जिनसे आपका फायदा होगा। तो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना ये है कि जब राहुल जी ने देखा कि आपसे झूठा वादा किया था इन्होंने, आपको कहा था कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे और आपको पूरी तरह से धोखा दिया। चुनाव खत्म हुआ, इन्हें सत्ता मिली, सत्ता मिलने के थोड़े ही दिनों बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के। If you like this video, beg a like, comment, share, and subscribe.